दोस्तों फाइनली करण जौहर ने अपनी तखत फिल्म को फाइनली एक ब्रेक लगा दिया और स्टार्ट कर दिया अपनी न्यू फिल्म के साथ, एक रोमांटिक फिल्म रॉकी और रानी की अनोखी कहानी। चलिए जानते हैं आखिर क्यों इतनी हिस्टोरिकल मूवी को रोका गया, क्या वजह रही इसके पीछे। नमस्कार आप सभी का, मैं हूं आपके साथ दीक्षा जैन सिने स्पीक से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, करण जौहर काफी टाइम से रुके हुए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तखत को फाइनली रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी शूटिंग करने के लिए। पर दोस्तों उनको किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भी प्रोडक्शन ने उनका साथ नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर की है, वो चाहते थे कि फॉक्स स्टार के साथ वो इस फिल्म का निर्माण करे, वो इस फिल्म की स्टार्टिंग करे। पर दोस्तों फॉक्स स्टार ने फाइनली उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। उनका ये मानना है कि इस टाइम पे जो हम जनरेशन चल रही है उसमें कोई भी इतनी हिस्टोरिकल मूवी नहीं देखना चाहता इतना मुगल एम्पायर्स एंड औरंगजेब के बारे में जानने के लिए। और दूसरी बात उन्होंने जो ये रखी वो थी कि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी बनेगी, जिसकी वजह से हमें आगे काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े, जिसकी वजह से फिर फॉक्स स्टार ने साफ इनकार करा इस मूवी में पैसा लगाने के लिए या कुछ मनी इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों करण जौहर ने भी अपनी जो ड्रीम है उनका ये बहुत मन था इस मूवी को रिलीज करने का। मैं आपको बता दूं इसमें जो एक्टर ने एक्ट्रेस थी वो थी करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, रणवीर कपूर जी, दोस्तों ऐसे बड़े एक्टर थे और काफी और भी एक्टर्स थे। पर दोस्तों इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो काफी हाई थी और कोई भी प्रोडक्शन का साथ नहीं दे रहा था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ करण जौहर बढ़ चुके अपनी दूसरी रोमांटिक और मस्ती भरी फिल्म, वो है रॉकी और रानी की प्रेम कथा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के जो मेन लीड रोल्स है वो करने वाले हैं रणवीर कपूर जी। हाँ दोस्तों, खली भली हमारे और दूसरे आपके आलिया भट्ट जी। हाँ दोस्तों, ये दोनों फिल्म रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये दोनों मेन लीड रोल करने वाले हैं फिल्म में और शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और काफी जल्द हमें दिखेगी बड़े पर्दों में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि तखत को रिलीज होना चाहिए था या इसकी रुकावट सही थी, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।